वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आप सभी लाइब्रेरी लवर्स और जो भी लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा इसी सत्र यानी कि नवंबर 2021 से BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वन ईयर ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए आवेदन की तिथि 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। जो भी लर्नर्स लाइब्रेरी साइंस में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, वो सभी इसी सत्र से इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बताएंगे कि ये लाइब्रेरी साइंस का कोर्स क्या है और इसकी फ़ीस क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें बुक प्रोसेसिंग यानी कि बुक या जर्नल जो भी लाइब्रेरी में परचेज़ किया जाता है, तो उसको परचेज से लेके लाइब्रेरी के स्टैक्स में पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एसेसिंग, क्लासिफिकेशन, टूलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें थ्योरी के माध्यम से, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के माध्यम से इस कोर्स में सिखाई जाएगी। और लाइब्रेरी सर्विसेज जैसे कि रेफरल सर्विसेज और रेफरेंस सोर्सेज के बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा, जिससे कि हम अपने लाइब्रेरी यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें और उन्हें संतुष्ट कर सकें। और जो भी एक्टिविटीज़ लाइब्रेरी से रिगार्डिंग होंगी वो भी इनमें सिखाई जाएंगी। तो ये लाइब्रेरी साइंस के कोर्स के बारे में था कि लाइब्रेरी साइंस कोर्स क्या होता है। और अब हम बताते हैं कि इस कोर्स में मतलब एलिजिबिलिटी क्या है और इस कोर्स में मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और इसकी फ़ीस क्या है। तो ये वन ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन हैं तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये एक साल का कोर्स है जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज आपको पे करनी होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी फ़ीस 3250 रुपये है, जिसमें कि एडमिशन फ़ीस 2000 रुपये, 500 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस, 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और 150 रुपये मिसलेनियस फ़ीस इंक्लूडेड है। और इसी प्रकार दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस 3400 रुपये है, जिसमें कि 300 रुपये डिग्री का शुल्क इंक्लूडेड है। तो ये इसके कोर्स के बारे में था कि एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी फ़ीस क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारा जो SLIM है वो किस मोड में अवेलेबल होगा और इसके जो प्रैक्टिकल और वर्कशॉप है उसकी मतलब वो कितनी दिन की होगी। तो इसकी जो SLIM है यानी कि जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वो आप हिंदी में आप प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन आप अगर जो एग्जामिनेशन है या फिर जो असाइनमेंट है, आप अपने इच्छा अनुसार आप इंग्लिश या हिंदी में चूज़ कर सकते हैं और उसी मोड में आप असाइनमेंट और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और इसकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज है, जैसे कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया, तो आप सेमेस्टर वाइज की फ़ीस पेमेंट करेंगे और पहले सेमेस्टर में 3250 और दूसरे सेमेस्टर में इसकी फ़ीस 3400 रुपये है। और इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 10 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी होगी, जो कि मैंडेटरी है, जो कि कंपलसरी है। और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद ही आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे जो कि स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग थे। ये 2 सेमेस्टर का कोर्स है और प्रत्येक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज हैं और प्रत्येक कोर्स 100 मार्क्स का है, और जिसमें कि 70 मार्क्स आपके थ्योरी और 30 मार्क्स असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के हैं। और पहले सेमेस्टर के कोर्स की बात करें तो पहला फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, थर्ड है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, और फोर्थ वन है लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। तो ये पहले सेमेस्टर के कोर्स के नाम हैं और जिसमें कि प्रत्येक कोर्स 4 क्रेडिट का है और प्रत्येक कोर्स के 100 मार्क्स हैं, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के हैं। और दूसरे सेमेस्टर की बात करें तो सेम इसमें भी 4 कोर्सेज हैं, जो कि लाइब्रेरी इंडेक्सिंग प्रैक्टिकल, रेफरेंस सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब ये भी सेमेस्टर सेकेंड के 4 कोर्सेज हैं, और जिसमें कि 100 प्रत्येक कोर्स 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन लिंक पे जा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। और इसमें
आप यहाँ पे एक कम्युनिटी रेडियो चैनल है हमारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, जो कि हेलो हल्द्वानी के नाम से चल रहा है, और इस पे आप लाइब्रेरी साइंस के ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल है जो कि UOU लाइव के नाम से है, तो यहाँ पे एक लिंक्स दिए हैं और इस लिंक पे जाके आप लाइब्रेरी साइंस के वीडियो लेक्चर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये इस कोर्स को करने के बाद आप स्कूल लाइब्रेरीज में, कॉलेज लाइब्रेरीज में, म्यूजियम में, हाई कोर्ट्स में, बिजनेस फॉर्म्स में, आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं उनमें, और हर साल केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अपनी वैकेंसीज निकालती है जो कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के रिगार्डिंग होती है, तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि क्या आपको पोस्ट मिलती हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब प्राप्त कर सकती हैं, साथ ही साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी कंसल्टेंट, लाइब्रेरियन या फिर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, तो और साथ ही साथ आप कैटलॉगर भी बन सकते हैं, सूचीकार भी बन सकते हैं, असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट आप इस कोर्स को करने के बाद ग्रेस्प कर सकते हैं। और अभी हाल ही में कुछ रिसेंट वैकेंसीज ओपन हुई हैं जो कि मैं यहाँ पे अवगत कराना चाहूँगी आपको, और आप उस यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, पोस्ट दी है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी दी है, और इसमें लिंक्स भी दिए हैं, और आप जाकर खुद उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इस कोर्स के लिए BLS कोर्स की एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो आप इस कोर्स के बाद इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसीज ओपन हुई हैं लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ उत्तराखंड विधानसभा में भी सूचीकार की पोस्ट निकली हुई है, और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज ओपन हुई हैं। तो आप ये कुछ वैकेंसीज मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी और स्कोप को आप उसकी साइट पे लिंक के माध्यम से जाके खुद ही विजिट कर सकते हैं। तो मैंने इस कोर्स के बारे में इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताया कि इस कोर्स की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और आप इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा और आप इस कोर्स में बढ़ चढ़ कर आवेदन करेंगे। और अब मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि इस कोर्स के लिए आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है, और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। तो जो भी लाइब्रेरी लवर्स या जो भी लर्नर्स इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, कृपया इस तिथि के अंतर्गत इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।